साहब एक शतरंज का खेल ही खेल रहे हैं हमारे साथ लेकिन एल जी साहब जो है वो हमारे हित में फैसला दे रहा है उसने इसने कॉन्स्ट्यूट कमेटी की, की और उसने ये कहा कि मैं इस अगर इसमें भ्रष्टाचार हुआ मैं नहीं बख्शूंगा लेकिन कहीं ना कहीं चीफ सेक्रेटरी और जो कमिश्नर सेक्रेटरी जे डी जो है वो इसको रोक रहा है और हम आज मिलने जा रहे हैं उसके साथ आज हम उसको क्लियर करेंगे कि आपको क्या करना है वेदर वी हैव टू गो टू बी एंड ऑफ द आवर लिमिट देन अदरवाइज वी हैव टू मूव टू द कोर्ट दोनों में से कुछ करना पड़ेगा हम बिकॉज इट इज़ नाउ वी आर वी आर नॉट डेड टायर्ड अब बहुत कुछ हो चुका है, है ना ये बर्दाश्त बाहर हो रहा है हमारे साथ आज कुछ यहाँ पे हमारे सिर्फ लीडर साहिब आए हुए हैं यहाँ पे हम सेटेड के पीछे भी जो बैठे हुए हैं अभी कुछ देर के बाद हम अटल डू से मिलेंगे देखेंगे लेकिन इसका हम करेंगे जल्दी जल्दी क्योंकि अब तो हो गया बहुत मांग मांग के हम कुछ कुछ कोई कोई और तरीका अपनाएँगे सीधी सी से बात है अपना तो हक़ हाँ तो नहीं छोड़ेंगे ना हम जैसे कि मेरे भाइयों ने आपको इसके बारे में ये चीज़ बताया कि रिपोर्ट जो सबमिट हुई थी ये आज से चार महीने पहले सबमिट हुई थी आर के गोयल साहब के साथ हमारी टेबल टू टेबल बात हुई और उस वक़्त उसने हमें साफ़ ये बात बताया कि मैंने रिपोर्ट सबमिट जे को किया और फिर उसके बाद जे के जो इंचार्ज है सी सर उसके साथ भी हमारी बात हो गई तो उसके साथ जब बात बात हमारी हुई तो उसने ये चीज़ बताया कि रिपोर्ट हमारे पास है तो रिपोर्ट को हमने मार्क भी किया